बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात बहुपद बनाना। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो बच्चों जैसे ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, शर्त है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध होता है। अब यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यक मालूम है, कोई द्विघात बहुपद है उसके शून्यक मालूम है, तो हम कैसे द्विघात बहुपद बनाते हैं। फिर तो उस द्विघात बहुपद बनाने का बच्चों फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से जो है ये हमारा फार्मूला है, इसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद बनाते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस टू और माइनस फाइव। ठीक, तो पहला शून्यक क्या हो गया अल्फा, ये माइनस दो है, और बीटा क्या है माइनस पाँच है। तो हम सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा हो गया माइनस टू प्लस माइनस फाइव, दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस सेवन आ जाता है। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, इसे गुणनफल कर लेते हैं, माइनस टू इंटू माइनस फाइव ये टेन हो गया, माइनस माइनस से गुणा प्लस हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद हमारा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देते हैं। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये सेवन एक्स हो गया और प्लस टेन, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान। अब यहाँ पर माइनस माइनस गुणा क्या हो गया प्लस हो गया। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। अब इसके अलावा एक दूसरा हम फार्मूला दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरे एग्जांपल में हम जैसे आपसे कह दिया जाए एक दूसरे एग्जांपल्स हैं द्विघात बहुपद हमको बनाना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ। देखिए कैसे बनाते हैं, गुणनफल क्या है माइनस वन है। देखिए बच्चे दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दिया है एक बटे चार, और इनका गुणनफल क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा माइनस वन। हमको द्विघात बहुपद बनाना है। देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से देखिए इसमें हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चे क्या है वन अपान फोर, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या बच्चों माइनस वन। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान फोर इंटू एक्स और माइनस प्लस का गुणा बच्चों क्या हो गया माइनस वन। अब देखिए यहाँ चार बटे में है, तो चार हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, लासा ले लेते हैं एलसीएम। चार हमने लासा ले लिया, चार का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ चार का चार में भाग करके चार एकम चार एक आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, चार का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस चार। ठीक, तो इस तरह से देखिए अब इसके बाद हमारा ये क्या कर, चार आपका इसमें दिया हुआ है एलसीएम जो, इसको हटा देते हैं। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या बन गया, हमारा बन गया द्विघात बहुपद हमारा बन गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो इस तरह से ये हमारा जो है द्विघात बहुपद बन गया। तो इस तरह से द्विघात बहुपद हम बनाते हैं, यदि क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से जो है हमारा द्विघात बहुपद ये बन गया। अब ये हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं और इनका क्या कहते हैं आप इसी तरह से बनाएंगे। अब देख कुछ और प्रश्न रख लीजिए जिसमें आपको क्वेश्चन है
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः हैं। अब आप होमवर्क लिख लीजिए, ये आपको इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए है अंडर रूट टू और 1/3, दूसरा है 0√5, तीसरा है 1,1 और चौथा है 4,1। तीन चार प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। ये क्या दिए बच्चों, ये जैसे यहाँ अंडर रूट टू क्या दिया है, ये शून्यकों का योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, और ये दूसरा वाला का अल्फा इंटू बीटा, इससे हम द्विघात बहुपद आप लोग बनाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क इतना ही, शेष हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।